नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास विशेष में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना के कई नेता और पदाधिकारियों ने आज शिंदे खेमे को अपना समर्थन दिया है। इनमें सातारा जिला अध्यक्ष चंद्रकांत जाधव भी शामिल है। तो खबर है कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। वहीं संजय राउत को पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के सीएम नहीं बनने पर हैरानी जताई है। तो उधर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि अगर सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने सुनी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी बीच अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोले की हत्या के मामले में गिरफ्तार शाहरुख पठान पर जेल में ही हमला हुआ है। वो आर्थर रोड जेल में बंद है। प्रदेश के इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पुराने बॉस को लगातार झटके दे रहे हैं। पहले उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली और अब पार्टी में भी लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। शिंदे के द्वारा झटका देने का सिलसिला उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के दिन भी जारी रहा। आज शिवसेना के कई नेता और पदाधिकारियों ने शिंदे खेमे को अपना समर्थन दिया है। इनमें सातारा जिला अध्यक्ष चंद्रकांत जाधव भी शामिल है। एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना में हूं और पार्टी नहीं छोड़ा हूं। शिंदे सातारा जिले के बेटे हैं और मैं विकास कार्यों के लिए उनका समर्थन कर रहा हूं। इसे उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रकांत जाधव कई वर्षों से शिवसेना में है। वे उपजिला प्रमुख का पद भी संभाल चुके हैं। उनके आंदोलन काफी लोकप्रिय हुए थे। वर्तमान में वे जिले के पूर्वी हिस्से में शिवसेना के जिला अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। जाधव के बारे में कहा जाता है कि जिले में शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई काम किए। अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे का समर्थन किया है तो संभावना है कि उनके साथ कुछ और अधिकारी भी जाएंगे। इससे उद्धव ठाकरे समूह की ताकत और कम होगी। चंद्रकांत जाधव ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की तरह भगवान और उद्धव ठाकरे जैसे नेता नहीं है, शिवसैनिकों को जैसा कोई साथी नहीं है, लेकिन सातारा जिले के बेटे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए वह उनका समर्थन कर रहे हैं। सत्ता और पार्टी के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। खबर है कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया और कहा कि शिंदे पुराने शिवसैनिक है। खास बात है कि शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता ठाकरे पहली सदस्य है। उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। दक्षिण मुंबई में सरकारी अतिथि गृह सह्याद्री में शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिवसैनिक है जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं यहाँ उन्हें बधाई देने आई हूँ। मैं उन्हें और उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूँ। यह शिष्टाचार मुलाकात थी। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मैं आज उनसे मिली। शिवसेना में बगावत के बारे में पूछे जाने पर स्मिता ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति में नहीं है। स्मिता ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वह 1995 और 99 के दौरान शिवसेना में एक शक्तिशाली शख्सियत थी। स्मिता बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर इन दिनों अपनी पार्टी शिवसेना पर पकड़ बनाने रखने की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। हाल ही में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों के बागी तेवर के बाद उन्हें सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी। इस बीच उन्होंने संजय राउत को पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने शिंदे, फडणवीस को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात की है। फडणवीस के सीएम नहीं बनने पर उद्धव ठाकरे ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भाजपा ने ऐसा बर्ताव क्यों किया, यह मेरी भी समझ से परे है, पर ठीक है, वह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनकी पार्टी के पुराने परिचित निष्ठावान, उस वक्त हमारे साथ युति में शामिल अनेक नेता आज भी मेरे संपर्क में है, पर वे निष्ठापूर्वक भाजपा के साथ है। उनको लेकर मुझे ऐसी गलतफहमी पैदा नहीं करनी है कि उन्हें शिवसेना के साथ आना है। मैं बेवजह ऐसा खोखला दावा करूंगा भी नहीं, लेकिन उन्हें मौजूदा हालात पच नहीं रहे हैं, फिर भी वे निष्ठा से भाजपा के काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहाँ बाहरी लोगों को सब कुछ दिया गया, उनके सिर पर बाहर के लोगों को बिठाया गया।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद पहली बार सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि अगर सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बात सुनी होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। श्रीकांत शिवसेना में बगावत करने वाले राज्य के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और कल्याण से लोकसभा सांसद है। श्रीकांत ने कहा कि अगर अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों की आवाज को सुना होता और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर कुछ किया होता तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने उद्धव के समर्थकों को लेकर कहा कि आज वे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और एकनाथ शिंदे का समर्थन नहीं करने के लिए मना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना और भाजपा के साथ आने के बाद प्राकृतिक गठबंधन के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। पहले किसी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का सोचा भी नहीं था, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए एक गठबंधन बना। सांसद ने कहा कि महाविकास आघाड़ी बनने के बाद शिवसेना को सीएम पद मिला और हमने सोचा कि पार्टी बढ़ेगी, लेकिन इससे विपरीत हुआ। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण चुनाव में पार्टी हार गई। ग्रामीण इलाकों से विधायकों और पार्टी के नेताओं ने शिकायतें की थी कि एनसीपी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्ले की हत्या के मामले में गिरफ्तार शाहरुख पठान पर जेल में ही हमला हुआ है। वह ऑथर रोड जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहरुख पठान के ऊपर 5 कैदियों ने हमला किया है। 54 साल के केमिस्ट उमेश कोल्ले की हत्या की घटना राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या से एक हफ्ते पहले हुई थी। एनआईए ने उमेश कोल्ले की हत्या के मामले में 7 आरोपियों शेख इरफान, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख खान पठान, अब्दुल तोशिफ, शोएब खान, अतीब रशीद, यूसुफ खान बहादुर को गिरफ्तार किया है। वे न्यायिक हिरासत में ऑथर रोड जेल में बंद है। आरोपी शाहरुख पठान के ऊपर हमले के बाद मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। शाहरुख की बैरक में रहने वाले अन्य आरोपियों ने ही उस पर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल आरोपियों को अलग अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। अमरावती जिले में रहने वाले मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्ले की बीजेपी की नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से हत्या कर दी गई थी। जब उसने यह बात बैरक में मौजूद अन्य कैदियों को बताई तब बैरक में मौजूद कैदी कल्पेश पटेल, हेमंत मनेरिया, अरविंद यादव, श्रावण आडव और संदीप जाधव ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शाहरुख पठान ऑथर रोड जेल की बैरक नंबर 7 में बंद था। रेल मंत्री रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी से जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में भोला यादव के खिलाफ एक्शन लिया है, तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। वही कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है, तो उधर वैक्सीन निर्माता अदार पूनावाला ने बताया है कि भारत में मंकी पॉक्स का एक मैसेंजर वैक्सीन विकसित करने के लिए हम नोवावैक्स से बात कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि ये सरकार कभी भी राहुल गांधी की हत्या करवा सकती है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेल मंत्री रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पूर्व एसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने आरआईसीटी के जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में भोला यादव के खिलाफ एक्शन लिया है। सीबीआई राज्य में 4 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई अधिकारी भोला यादव से पूछताछ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भोला यादव के पटना और दरभंगा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू रेल मंत्री थे तब भोला यादव उनके ओएसडी रहे थे। उस समय रेलवे में जमीन के बदले नौकरी लगवाने के आरोप है और भोला यादव को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सीबीआई ने 2 महीने पहले इस मामले में लालू परिवार के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। पटना स्थित राबड़ी आवास और दिल्ली में मीसा भारती के घर समेत लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। टीम ने कई घंटों तक घरों की तलाशी ली। हाल ही में सीबीआई ने लालू के करीबी भोला यादव से पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब भोला यादव के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, इससे लालू यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बता दें कि सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी, 2 बेटियां नौकरशाह और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर दायर 240 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे वह सही है। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी करने और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ गलत नहीं है। याचिकाकर्ताओं की एक और मांग पर अदालत ने कहा कि ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी की ओर से बंद किए गए मामले को भी ईडी अपने हाथ में लेकर जांच कर सकती है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी बिल के तहत बदलाव किए जाने के सवालों को अदालत ने 7 जजों की बेंच के सामने भेजने का फैसला किया है। दायर की गई याचिकाओं में ईडी की ओर से रेड गिरफ्तारी के अधिकारी, संपत्ति को जब्त करने और बेल की कठिन शर्तों पर विचार करने की अपील की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी किया जाना मनमानी नहीं है। कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में कल देर शाम हुई, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह तब हुआ जब बाइक से घर जा रहे थे। हमलावरों ने उन्हें बाइक से खींचकर हत्या कर दी। घटना के बाद भाजपा ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रवीण बेल्लोर क्षेत्र के पास एक पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। दिन भर काम करने के बाद प्रवीण दुकान बंद कर जब अपने घर लौट रहे थे, तभी रात करीब 9 बजे बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया है। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण प्रवीण ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भाजपा नेता के परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दक्षिण कन्नड़ जिले से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की बर्बर हत्या निंदनीय है। उधर बेल्लारे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या के विरोध में कई भाजपा रात में ही सड़क पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। दक्षिण कन्नड़ में बेल्लारे और पुत्तरू में भाजपा कार्यकर्ता समेत युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के जोरदार प्रदर्शन के बाद स्थानीय बाजार को बंद कर दिया गया है। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस के बीच मंकी पॉक्स नाम की बीमारी ने देश में दस्तक दे दिया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच वैक्सीन निर्माता अदार पूनावाला ने बताया है कि भारत में इसकी वैक्सीन कब आएगी। पूनावाला ने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मंकी पॉक्स का एक मैसेंजर वैक्सीन विकसित करने के लिए नोवावैक्स से बात कर रहा है। फिलहाल वे आपात स्थिति में फिलहाल मालपॉक्स के टीकों को थोक में आयात करने की संभावना तलाश रहे हैं। डेनमार्क की कंपनी बावेरियन नॉर्डिक से स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन 3 माह में भारत में आ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास लाइसेंस के तहत थोक में स्मॉलपॉक्स के वैक्सीन बनाने की क्षमता है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या इसकी वैक्सीन भी बहुत अधिक मांग होगी या फिर 3 से 4 माह में यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है और इसमें 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है। पूनावाला ने यह भी बताया कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन से अलग है। इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हमारे पास इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिहार में भी कांग्रेस नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार कभी भी राहुल गांधी की हत्या कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी से है। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर नए सिरे से केंद्र सरकार की नीतियों पर आक्षेप उठाना चाहिए। विपक्ष को इसका हक भी बनता है, अन्यथा सत्ता की स्थिति निरंकुश हो जाती है और लोकतंत्र की हत्या होने लगती है। पप्पू यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया। वीसी बहाली की मामले में कहा कि इसमें रुपए का लेन देन किया जाता है। रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति के पीछे भी पैसे का खेल है। सरकार को एक विधेयक पारित कर चाहिए कि अगर वित्तीय सहायता सरकार देती है तो कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण हो। चिकित्सकों ने मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों में 3 नए लक्षणों की पहचान है। इन लक्षणों में जन्नाम में घाव, मुंह में घाव और गुदा पर घाव शामिल है।
तो रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन अपनी घटती आबादी को लेकर परेशान है। अनुमान है कि ये एक सदी से भी अधिक समय तक सिकुड़ती रह सकती है। तो उधर जापान का यामागुची शहर इन दिनों बंदरों के आतंक से तबाह है। अब तक 42 लोगों को घायल करने वाले खतरनाक और लुटेरे बंदरों का सामना करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच अवैध गतिविधियों और लेन देन के संदेह में काठमांडू के एक कॉल सेंटर से एक चीनी नागरिक सहित 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला सहित दो भारतीय भी शामिल है। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंकी पॉक्स संक्रमण ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ये बीमारी तेजी से कई देशों में फैल रही है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों को बढ़ते देख वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। भारत सहित दुनिया भर में इसके मामले 16,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल संक्रमण है जिसमें चेचक के संक्रमण के समान लक्षण होते हैं। बुखार और त्वचा पर दाने होना इसके आम लक्षण है। इस बीच चिकित्सकों ने मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों में 3 नए लक्षणों की पहचान की है। इन लक्षणों में जननांग में घाव, मुंह में घाव और गुदा पर घाव शामिल है। शोधकर्ताओं ने पाया कि 10 में से एक व्यक्ति को जननांग हिस्से में केवल एक ही घाव था और अध्ययन में शामिल 15% लोगों को गुदा या मलाशय में दर्द था। कुछ लोगों को गुदा और मुंह में घाव जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी वजह से उन्हें दर्द और भोजन निगलने में कठिनाई हो रही है। मंकी पॉक्स के ये नैदानिक लक्षण यौन संचारित संक्रमण जैसे सिफिलिस या हर्पीज के समान है। यही वजह है कि इनका आसानी से पता नहीं चलता है और संक्रमण फैल सकता है। ये समझना जरूरी है कि मंकी पॉक्स सीधे तौर पर यौन संचारित संक्रमण नहीं है, लेकिन ये निकट शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। शोध के विशेषज्ञों का सुझाव है कि जोखिम वाले समूहों के साथ बड़े लेवल पर काम होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को बेहतर किया जाना चाहिए। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला यूक्रेन में क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। गौरतलब है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तनाव के बावजूद नासा और रोस्कोस्मोस ने इस महीने की शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रूसी रॉकेट की सवारी जारी रखने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, मगर अब क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रोस्कोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक हम अपने भागीदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। दरअसल रूस अब अपना ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन तैनात करना चाहता है। रूस साल 1998 में इस मिशन से जुड़ा था। रूस ने साल 2015 में भी घोषणा की थी कि वो साल 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा रहेगा। तब रूस ने कहा था कि वो साल 2024 के बाद रूसी मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग कर लेगा और पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। याद रहे, रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। जंग को 6 महीने होने वाले यूक्रेन की जंग आग में पूरी तरह से झुलस गया है। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन अपनी घटती आबादी को लेकर परेशान है। चीन की घटती जनसंख्या 2025 तक नकारात्मक वृद्धि के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक सदी से भी अधिक समय तक सिकुड़ती रह सकती है। इना पॉपुलेशन एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के जनसंख्या और पारिवारिक मामलों के प्रमुख यांग वेंजुआंग ने कहा कि चीन की कुल जनसंख्या वृद्धि दर काफी धीमी हो गई है और वर्तमान 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2021 से 25 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। यांग वेंजुआंग ने कहा कि तीसरी बाल नीति कुछ समस्याओं को कम कर सकती है, लेकिन अल्पविधि में इस प्रवृत्ति को उलटने की कोई संभावना नहीं दिखती है। नए आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2025 की शुरुआत में जनसंख्या में गिरावट शुरू हो सकती है, क्योंकि जन्मदर दशकों के अगले निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के इस जनसंख्या संकट की मुख्य वजह कम्युनिस्ट पार्टी की कठोर नीतियां रही है। शंघाई अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस ने भी भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ सालों में चीन जनसंख्या गिरनी शुरू हो जाएगी और 1.44 बिलियन से घटकर सिर्फ 58 करोड़ ही बचेगी। इससे पहले 2019 में इस संस्था ने उम्मीद की थी कि चीन की जनसंख्या में गिरावट 2029 से शुरू होगा,
वहीं यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन ने चीन की पीक जनसंख्या की उम्मीद 2031 से 32 की थी। जापान का यामागुची शहर इन दिनों बंदरों के आतंक से तबाह है। लोगों का कहना है कि इन उत्पादी बंदरों से हम अब परेशान हो चुके हैं, हमें इन वानरों से रक्षा करो। बता दें कि देश के पश्चिमी भाग में स्थित यामागुची शहर के अधिकारी इस महीने की शुरुआत से अब तक 42 लोगों को घायल करने वाले खतरनाक और लुटेरे बंदरों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जापान के पश्चिमी भाग में स्थित शहर के अधिकारी इस महीने की शुरुआत से अब तक 42 लोगों को घायल करने वाले लुटेरों बंदरों का सामना करने के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं। वे बंदरों से बचने के तरीका ढूंढने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि बंदरों का पहला हमला यामागुची शहर के ओगुरी इलाके में 8 जुलाई को हुआ था। बंदर ने एक फ्लैट में चढ़कर एक इंसान के छोटे बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान छोटा सा बच्चा बंदर के हमले में बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे की मां ने इस घटना के बारे में डरते हुए बताया कि उन्होंने जब बच्चे की चीखें सुनी तो सतर्क हो गई और बंदर को मारकर भगा दिया। महिला ने बंदर को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए वहां के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई है। एक और महिला ने बताया कि जब उसकी बच्ची फर्श पर खेल रही थी तब बंदर ने उसके पैरों को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए बंदर को मारकर भगा दिया। अवैध गतिविधियों और लेनदेन के संदेह में काठमांडू के एक कॉल सेंटर से एक चीनी नागरिक सहित 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला सहित 2 भारतीय भी शामिल है। दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये लोग काठमांडू के टिंकुन इलाके में स्थित स्काई वर्ल्ड सर्विस सेंटर के कर्मचारी थे। इस कंपनी का मालिक एक 43 वर्षीय चीनी नागरिक है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस ने छापेमारी के दौरान 8,29,000 रुपए, 362 लैपटॉप और 748 डेस्कटॉप भी बरामद किया है। जिला पुलिस कार्यालय काठमांडू के प्रवक्ता दिनेश राज मैलानी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध गतिविधियों और लेनदेन के संदेह में की गई थी। पुलिस का अनुमान है कि कॉल सेंटर में चीनी निवेश है। इस कॉल सेंटर में 2000 युवा काम कर रहे हैं। जांच के दौरान पता चला कि वैद्य संगठन नाम की संस्था लीज परिसर में कॉल सेंटर चला रही है। ये संगठन चीनी एप्लीकेशन का उपयोग करके भारतीय नागरिकों को उच्च ब्याज दरों में ऋण प्रदान करता है। पुलिस ने खुलासा किया कि जिस घर में कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था वह फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष सूरज वैद्य का था। पुलिस के मुताबिक यहां कॉल सेंटरों से कई चीनी लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद चीनी निवेशक अब अपनी कंपनियों को चलाने के लिए भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। कॉल सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार वहां केवल वही कार्यरत है जो हिंदी भाषा में पारंगत है। कॉल सेंटर भारतीय नागरिकों को ऋण प्रदान करता है और वहां काम करने वाले कर्मचारी ऋण वसूली पर काम कर रहे हैं। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।